News 18, India. और एक पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा है। थोड़ी देर में इस पर वोटिंग होगी। विश्वास मत पर बोलते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की गई। तो ये लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। चंपई सोरेन सरकार ने सदन में अपना विश्वास मत प्रस्ताव रखा है और इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की हैं जबकि विधानसभा में इस वक्त वोटिंग चल रही है। झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने विश्वास मत का प्रस्ताव रखा और उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो विश्वास मत की तस्वीरें देख रहे हैं। वो विश्वास मत प्रस्तुत करने के दौरान जो वोटिंग होती है उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। बहुमत का आंकड़ा 41 है और ऐसे में जेएमएम जो गठबंधन है उनकी ओर से अगर 41 का आंकड़ा छू लिया जाता है तो जाहिर तौर पर ये जो सरकार है चंपई सोरेन की वो बनी रहेगी, अन्यथा इस सरकार पर खतरा मंडरा सकता है। इस वक्त झारखंड विधानसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें जहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। विश्वास मत का प्रस्ताव पहले ही चंपई सोरेन रख चुके हैं और इससे पहले हेमंत सोरेन का संबोधन भी हुआ था जिन्हें कोर्ट की ओर से स्पेशल परमिशन मिली थी और वो पहुंचे थे और उनका ये कहना था कि मैं झुकूंगा नहीं, वोटिंग होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि वोटिंग में हम जीतेंगे, विश्वास मत हमारी ही ओर होगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त की झारखंड विधानसभा में। इस वक्त वोटिंग जारी है और झारखंड सरकार यानी कि चंपई सरकार को आज अपना विश्वास मत जो है वो पेश करना होगा और ऐसे में 41 जो बहुमत का आंकड़ा है मैजिकल फिगर है और उसको अगर चंपई सोरेन की सरकार टच करती है तो सरकार बनी रहेगी। और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, झारखंड विधानसभा में वोटिंग जारी है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें मत विभाजन से पहले जो बेल बजता है वो बज गया है। थोड़ी देर में वोटिंग शुरू हो सकती है यहाँ पर और समझिएगा कि यहाँ पर सरकार को सत्ता पक्षों से पूरी उम्मीद है, पूरा दावा है कि सरकार जो है जो विश्वास मत है उसे हासिल करेगी या बहुमत हासिल करेगी। और देखिए यहाँ पर यह भी है कि सरकार के पास जो कह सकते हो बहुमत का दावा है उतने विधायक ऑलरेडी सरकार के पास हैं। आप समझ सकते हैं कि सरकार के पास इसमें जेएमएम के पास 29 विधायक हैं, 17 कांग्रेस के हैं, तो 29-17 जोड़ते हैं तो 46 का जो आंकड़ा है वह ऐसे ही हो जाता है। एक जो यहाँ 41 आपका मैजिक आंकड़ा है, मतलब 41 चाहिए आपको बहुमत के लिए और सिर्फ जेएमएम और कांग्रेस को जोड़ने पर 46 होते हैं। एक आप भाकपा माले का जोड़ लीजिए, एक और विधायक जो कि आपको विनोद सिंह है, आंकड़ा 47 होता है। फिर एक आप सत्यानंद भोक्ता जो राजद के विधायक हैं, आंकड़ा 48 होता है। लेकिन इसमें एक विधायक जो है रामदास सोरेन जो कि बीमार होने के कारण अपना मत नहीं दे सकते हैं, लिहाजा सरकार को कहीं भी बहुमत आने में परेशानी नहीं हो। बनस्पत की अगर फ्लोर पर कुछ चमत्कार ना हो जाए, अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सामान्य तौर पर कुछ भी होने में बहुमत हासिल होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जी संजय, लोबिन हेब्रम्स चमरालिंडा तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। झारखंड विधानसभा के अंदर की तस्वीरें हैं जहां पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। चंपई सोरेन को बहुमत का आंकड़ा छूना है और ऐसे में विश्वास प्रस्ताव पारित करने के बाद अब वोटिंग जारी है। अब बड़ा चैलेंज यह है, हालांकि जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलायंस मिलाकर जो मैजिकल फिगर है उसे टच कर लेंगे यानी कि चंपई सरकार जो है वो बनी रहेगी। जो तमाम नाराज विधायक हैं वो पहुंचे हैं, हालांकि एक विधायक ऐसे हैं जो कि बीमार होने की वजह से पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन हालांकि एक विधायक अगर वोटिंग की प्रक्रिया से दूर भी रहता है तब भी जो बहुमत का आंकड़ा है जेएमएम उसको टच कर लेगी, चंपई सरकार उसको छू लेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो चंपई सरकार जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किल में आ सकती है और यह सरकार गिर भी सकती है। ये लाइव तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं झारखंड विधानसभा की। और ऐसे में एक बार फिर से संजय हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए हैं। संजय, जो नाराज विधायक चल रहे थे मसलन लोबिन अब्राम चमरालिंडा और सीता सोरेन, क्या ये भी पहुंचे हैं? देखिए यहाँ पर सर कि तमाम विधायक जो है सरकार के पक्ष में ही वोट करेंगे। लोबिन हेब्रम मान गए हैं सिबू सोरेन से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा कि अब कोई नाराजगी नहीं है, सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। सीता सोरेन भी सरकार के पक्ष में ही वोट करने की उम्मीद जताई जा रही है। चंपई सोरेन भी सरकार के पक्ष में ही वोट करने के वोट कर सकते हैं, चूंकि तमाम डैमेज कंट्रोल सदन में पहुंचने से पहले कर लेने का दावा किया गया है। अभी देखिए इस समय जो खबर आ रही है कि 47 विधायक जो है पक्ष में खड़े हैं मनोनीत सदस्य को चुनकर, मतलब सरकार के जो विश्वास मत जो दिया गया प्रस्ताव दिया गया है, मतलब बहुमत में 47 विधायक खड़े हैं। इतिहास चाहिए 47 मत प्राप्त हुए
प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। तो ये सब की ब्रेकिंग न्यूज, चंपाई सरकार बनी रहेगी। चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। 47 का आंकड़ा, मैजिकल फिगर 41 था और 47 का आंकड़ा चंपाई सरकार की ओर से छू लिया गया। और ऐसे में चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल करते हुए अब चंपाई सरकार जो है वो बनी रहेगी। हालांकि दावा इस बात का किया जा रहा था कि संभावना इस बात की है कि वोटिंग के दौरान संभव हो ऐसा हो कि कुछ विधायक टूटे हो या कुछ विधायकों ने अपना मन बदल लिया हो, लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट न्यूज 18 इंडिया पर, चंपाई सरकार बनी रहेगी क्योंकि चंपाई सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान विश्वास मत हासिल कर लिया है। 41 मैजिकल फिगर था लेकिन चंपाई सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं जो कि 41 से 6 वोट ज्यादा है। तो न्यूज 18 इंडिया पर ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। चंपाई सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े हैं, विश्वास प्रस्ताव के जो विपक्ष में है वो 29 वोट पड़े हैं और ऐसे में चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है, यानी कि जो ये चंपाई सरकार है वो बनी रहेगी। संजय हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल किया? जी बिल्कुल, देखिए कि आंकड़ा जो है पक्ष में 47 है और विपक्ष में 29 है। और देखिए यहाँ पर हम दिखला रहे हैं कि विधानसभा के बाहर पोर्टिको में देखिए घेरा बनाया गया है। अब चूंकि सरकार को बहुमत मिल गया है, लिहाजा हेमंत सोरेन को अब जो है बाकायदा ईडी दफ्तर ले जाने की तैयारी है। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कार भी जो है, ईडी की कार भी आ चुकी है और यहाँ पर बाकायदा पोर्टिको में ईडी की कार लग चुकी है। रस्सी का घेरा बनाया गया है, दोनों तरफ सुरक्षा कर्मी हैं और किसी भी वक्त हेमंत सोरेन सदन से बाहर निकलकर सीधे देख लीजिए इसी सफेद कार में बैठेंगे। ईडी की कार बकायदा पोर्टिको में लग चुकी है और जो सदन है मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ऐसे में अब सीधे हेमंत सोरेन को, चूंकि कोर्ट की ओर से पीएमएलए कोर्ट से जो आदेश आया था कि बहुमत साबित होने तक जो विश्वास प्रस्ताव है सदन में रखा जाएगा, वोटिंग होने तक हेमंत सोरेन सदन में रहेंगे और उस सदन के वोटिंग हो जाने के बाद उन्हें ईडी की कस्टडी में जाना होगा। बकायदा देखिए कि यहाँ पर यहाँ पर देख रहे हैं कि अब प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी तैनात हो गए हैं और यहाँ पर हेमंत सोरेन तुरंत यहाँ पे कैमरे पर नजर आएंगे और सीधे यहाँ से ईडी की कार पोर्टिको में लगी हुई है। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने सदन के अंदर कहा भी था कि मुझे मीडिया से भले बात करने के लिए मना किया होगा, सदन में ही मना किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी सरकार का खाका रखा और बताया कि महज 8.5 एकड़ जमीन के लिए मुझे जो है जेल भेजा गया है। और सिर्फ ये कहा कि सरकार में क्या ऐसे, विपक्ष में क्या ऐसे भी विधायक हैं जिन पर बड़े बड़े आरोप हैं लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने आदिवासी होने का हवाला भी दिया और साथ ही कहा किस तरह एक आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें परेशान किया जा रहा है। तमाम बातों को उन्होंने मीडिया के सामने रखा और कह सकते हैं कि तकरीबन 35 मिनट तक हेमंत सोरेन ने सदन में लगातार बोला और उसके बाद के उनसे पहले हालांकि चंपाई सोरेन ने भी सदन में बतौर मुख्यमंत्री जो विश्वास प्रस्ताव रखा था, अब विश्वास प्रस्ताव रखने के बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी सरकार हेमंत पार्ट 2 है, मतलब कि उन्होंने कहा कि जो हेमंत सरकार के अधूरे कार्य हैं उन्हें ही आगे बढ़ाएंगे। और इस तरीके से उन्होंने पूरी चीज को आगे रखा, सब बताया कि जो सरकार के अधूरे कार्य हैं उन्हीं कार्यों को चंपाई सरकार पूरा करेगी। और चंपाई सोरेन के बोलने के बाद नेता जो प्रतिपक्ष हैं अमर बावरी, उन्होंने भी साफ कहा कि देखिए लगातार विधायकों का बाहर निकलना, विपक्ष के विधायक जो यहाँ पर एनडीए के हैं सुदेश महतो जो हैं आज उससे सुप्रीमो सबसे पहले बाहर निकले हैं, बगल में बीजेपी के विधायक सीपी सिंह है। लेकिन उनसे बात करने पहले यहाँ पर निकले हैं एनडीए के विधायक, कैमरा नीचे करो ना, कैमरा नीचे करो। तो झारखंड विधानसभा से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चंपाई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। चंपाई सोरेन सरकार बनी रहेगी जबकि विपक्ष के
खाते में महज 29 वोट गए हैं। तो पहली जो अग्नि परीक्षा थी वो चंपई सोरेन ने पास कर ली है, और ऐसे में चंपई सोरेन की ओर से साफ तौर पर यह कहा गया है कि हेमंत सोरेन पार्ट टू ये सरकार होगी, यानी कि हेमंत सोरेन के जो काम अधूरे रह गए हैं वो काम जो है वो हम पूरे करेंगे। तो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अलायंस जिस तरह का दावा करता रहा है कि 47 के करीब वोट या फिर 50 के करीब वोट मिल सकते हैं, वो दावा सही होता दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई है, जिस तरीके से हेमंत सोरेन की ओर से दावा किया गया था कि मैं झुकूंगा नहीं, बात सिर्फ फ्लोर टेस्ट की है सरकार बनाए रखने की नहीं, तो में रहने वाले लोगों को अपने ही संवैधानिक विधि से बनाए गए एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए। आपके पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। सुदेश महतो विधानसभा स्पीकर को आप सुन रहे थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 47 वोट बने हैं पड़े हैं, जिसका साफ मतलब है कि चंपई सरकार बनी रहेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी ये ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिकल ब्रेकिंग न्यूज आप न्यूज 18 इंडिया पर सुन रहे हैं। चंपई सरकार ने विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लिया। सीधा हम संजय का रुख करेंगे। संजय गुरु जी, यानी कि शिबू सोरेन को तो खेवन हार के तौर पर जाना जाता है, आपकी बार भी क्या उन्हीं की स्ट्रेटेजी काम आई है? सम्मान करना चाहिए राजनेता। देखिए अब सीधे बात कर रहे हैं यहाँ पर, सुदेश महतो मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, जो कि एनडीए के कह रहा हूँ कि उसके उस पर नहीं जा रहे हैं हम। चार्जेज लग सकते हैं, मैंने पहले दिन भी कहा अपने ही संवैधानिक दायरे में बनाए हुए संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए राजनेताओं। लेकिन अगर ये जो बातें आ रही है, बार बार कहा जा रहा है कि एनडीए के लोग मिलकर जहाँ पे सरकार उनके पक्ष की नहीं है उसको अस्थिर करने की कोशिश हो जा रही है, ऐसी आरोप का कोई बुनियाद है तो बताना चाहिए। ये बेबुनियाद किसी तरह की बात अगर गढ़ के मनगढ़ंत बात करेंगे तो उसका जवाब। लेकिन अब जनता के पास क्या सवाल रहना चाहिए? जो सवाल घटना घटी वही सवाल जनता का भी है, वो इसका जवाब चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है इससे जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने या वर्तमान मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि एक तरीके से ये आदिवासियत पर टारगेट है, ये मतलब सिंपैथी यहाँ की जनभावना झारखंडियत पे टारगेट है। अपनी बात बोल के एक समुदाय विशेष के सहानुभूति जीत सकते हैं, संवैधानिक शपथ के दायरों को सम्मान नहीं कर सकते, उसका जो एक दायित्व होता है उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, चंपाई सरकार ने विश्वास प्रस्ताव हासिल कर लिया है, चंपाई सरकार बनी रहेगी। हालांकि विपक्ष के पक्ष में 29 वोट मिले हैं। एक बार फिर से इसकी दाम रुक करेंगे। हमारे सहयोगी संजय इस वक्त विधानसभा के बाहर से मौजूद है। संजय, शिबू सोरेन हमेशा से ही खेवन हार के तौर पर सामने आते रहे हैं, क्या अब की बार भी उन्हीं की स्ट्रेटजी काम आई है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हेमंत सोरेन के ईडी में रिमांड में जाने के बाद शिबू सोरेन ने ही सारा डैमेज कंट्रोल किया है। और जब यहाँ देखिए शपथ ग्रहण के तुरंत बाद बसंत सोरेन जो शिबू सोरेन के छोटे बेटे हैं वो भी अपने पिता के साथ पास ही पहुंचे थे, और उसके बाद दोनों में बातचीत हुई क्योंकि सीता सोरेन भी नाराज बताई जा रही थी। इसलिए बहुत कह सकते हैं कि रणनीति के तहत शिबू सोरेन और खुद चंपई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इस परिवार में आकर बीच में हस्तक्षेप किया और सीता सोरेन और बसंत सोरेन को बीच में समझौता कराया और शांत उसकी। हालांकि ये बातें मीडिया में सामने नहीं आई, लेकिन आप ये जान लीजिए कि तमाम चीज़ों को लेकर के एक तरीके से बहुत खास शपथ ग्रहण के बाद डैमेज कंट्रोल किया गया। उसके बाद यहाँ पर जो लोबिन हेमरम थे जिनके बारे में कहा जा रहा था, उन्होंने खुद को शिबू का शिष्य बताया था, कहा था कि अब वो सीधे पार्टी से अलग हो रहे हैं, मतलब कि अब वो सरकार में शामिल नहीं होंगे, वोट नहीं करेंगे। लेकिन शिबू सोरेन से जैसे उन्होंने मुलाकात की, शिबू और शिबू की पत्नी रूपी सोरेन ने उन्हें समझाया कि ये विषम परिस्थिति है, इस समय आपके साथ की जरूरत है, आपके विरोध की जरूरत नहीं है। उसके बाद लोबिन हेमरम माने और काफी भरोसा मिला। बाहर निकलकर उन्होंने बोला कि वो शिबू के शिष्य हैं, उन्होंने कहा है साथ रहने के लिए, लेकिन हम आपको बता दें कि 7 फरवरी का इंतजार कीजिए। 7 फरवरी को, 7 या 8 फरवरी को जब भी आपको कैबिनेट का विस्तार होगा, और कैबिनेट के विस्तार के समय अगर मंत्री साहब के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए,
इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ।